क्या आपने गोवा के बीचेस का सनसेट के टाइम का नज़ारा देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज मैं आपको दिखाऊंगा। और अपने कैमरे में मैंने लेंस लगा लिया है और आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि गोवा के बीचेस का सनसेट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, मीन्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा सनसेट इन गोवा, या फिर ये कहें सनसेट इन गोवा बीच। तो आपको ये दिखाने के लिए मैं आ गया हूँ गोवा के सबसे विदेशी बीच, या फिर ये कहें सबसे भीड़ भाड़ वाले बीच पे आ गया हूँ, जिसे रशियन बीच कहा जाता है और इसका ओरिजिनल नाम है अरंबोल बीच। और रशियन बीच के नाम सुनते ही आपके मन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रोटेट करना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए तो मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको पूरा बीच और सनसेट के टाइम का नज़ारा दिखाता हूँ। अरंबोल बीच गोवा के सुंदर बीचों में से, या फिर एक है फेमस बीचों में से एक है, और ये नॉर्थ गोवा का सबसे फेमस बीच है जो कि विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में सबसे बड़ा योगदान रखता है, क्योंकि इसकी जो जियोग्राफिकल संरचना है वो दूसरे बीचों से भिन्न है। अगर आप इसी दिशा में आगे जाओगे तो गोवा का फेमस बीच जो कि अरंबोल बीच से कनेक्टेड है, मांडरम बीच कहा जाता है, वो मिल जाएगा। और अरंबोल बीच एंड मांडरम बीच की जो मध्य का एरिया है, यहाँ पर आपको सारे रशियन ही रशियन दिखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। सनसेट के टाइम पर बीचों पर भीड़ चार गुना बढ़ जाती है, क्योंकि सनसेट के टाइम पर ये ठंडी ठंडी सैंड और ठंडा ठंडा वाटर बिना धूप के आप ज़बरदस्त इंजॉय कर सकते हैं। रशियन लोग तो यहाँ पे अपना कल्चरल प्रोग्राम भी, कोई योगा, कोई सिंगिंग, कोई डांसिंग, कोई प्रैक्टिस, कोई कुछ करता हुआ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और इस बीच पर रशियन लोग एक मार्केट भी लगाते हैं जिसे हिप्पी मार्केट कहा जाता है, वो आज से नहीं लगभग 10-20 साल से यहाँ पे लगती आ रही है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज ऑफ गोवा, विजिटिंग प्लेसेज ऑफ गोवा, टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ गोवा, या फिर ये कहें बेस्ट बीच ऑफ नॉर्थ गोवा, देन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना करेगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगे आपको गोवा से रिलेटेड नए नए ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।